हे गाइस, मेरा नाम है आशिफ खान और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई क्या हम इंडस्ट्रियल जो एयर कूलर है वो घर में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो भाई लोग देखो, एक सिंपल जवाब है कि नहीं। और अगर कोई लगाना भी चाहता है तो उसके लिए कम से कम 5 रूम चाहिए। 5 रूम होगा तो आपका 5 रूम कवर करेगा, लेकिन वो बजट के बाहर होता है। अगर एक एयर कूलर 1,20,000 का पड़ रहा है तो आपका डक का खर्चा कम से कम 1,00,000 रुपये लगेगा, क्योंकि 5 रूम में डक घुमाना बहुत भारी होता है। तो इतना बजट किसी का रहे तो मुझे मैसेज कर सकता है, नहीं तो ना करे, क्योंकि बजट के बाहर जाएगा। देखो क्या है, अगर कोई 1,00,000 रुपया घर के लिए खर्चा कर रहा है, 2,00,000 रुपया, तो उससे अच्छा है कि वो एसी लगा ले, सिंपल फंडा है। और अगर कोई ये चाहता है कि नहीं, हमको तो एयर कूलर ही लगाना है, एसी का हवा सूट नहीं करता है, हमको एयर कूलर का हवा सूट करता है या एयर कूलर की हवा नेचुरल होती है, इसलिए कोई कुछ लोग लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ आज घर के लिए सबसे बेस्ट एयर कूलर, जो कि आपके घर में कम जगह लेगा और कम स्पेस में ही आपका काम हो जाएगा और ज़्यादा स्पेस वो कवर करेगा, और वो काफ़ी स्पेस आपका कवर भी कर लेगा। और बोलो तो भाई, एक बार पानी डालने के बाद में ओहो क्या ठंडा हवा देगा ना भाई, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन तो है गाइस, मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोग को डोमेस्टिक एयर कूलर जो कि घर में यूज़ होता है। और देखो, अभी तक आप लोग को मैंने दिखाया था इंडस्ट्रियल एयर कूलर, इंडस्ट्रियल में कैसे यूज होता है और क्या प्राइस पड़ता है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ डोमेस्टिक जो कि घर में यूज होता है। और कोई अगर एयर कूलर लेना चाहता है ना, तो भाई ब्रांडेड लेना है तो सिम्फोनी का ले, और नॉन ब्रांडेड लेना है तो बहुत सारी कंपनी है। और अगर सिम्फोनी में कोई ड्राइवर होना चाहता है, कोई सिम्फोनी का एयर कूलर लेना चाहता है, तो मैं एक ही मॉडल सर आप लोग को बताऊंगा, सुमो JR। भाई ये मॉडल लो, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन ये 2 पर्सन के लिए ही है, जैसे आपका मास्टर बेडरूम हो तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो, और या बच्चों के लिए है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन भाई आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं खुद अपने रूम में यूज़ करता हूँ और बहुत मज़ा आता है, एकदम ठंडा ठंडा। तो सिम्फोनी का कोई लेना चाहता है तो ये मॉडल ले, और काफ़ी मतलब ज़्यादा जगह भी नहीं रहता है, इसके लिए ट्रॉली आ जाता है। और मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों को मैं इसका वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो ये है हमारा मॉडल सुमो JR जो कि हमने अभी जस्ट अनबॉक्सिंग किया है, और मैं दिखा दूं इसकी कुछ डिटेल्स है जो कि पहले पीछे आप जो देख लीजिए, इसमें जो हनीगम पेड़ यूज़ किया गया है वो नेचुरल पेड़ यूज़ किया गया है, ना कि हनीगम पेड़ यूज़ किया गया है, इसमें है नेचुरल जो कि लकड़ी से बनता है। और ये है उसका पावर कोड, मैं इसलिए ही ये सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका रीज़न है। और मैं जहाँ तक बात करूँ हनीगम पेड़ और ये जो नॉर्मल पेड़ आता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो पेड़ है जो इस मॉडल में यूज़ किया है ना भाई, ना जवाब है, बोलो तो बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। और नॉर्मल जो हनीगम पेड़ आता है उसमें थोड़ा कूलिंग करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। और ये पेड़ ऐसा है कि इसमें आपने एक बार पानी डाल दिया, चिल पानी डाल दिया या नॉर्मल पानी डाल दिया, तो भाई 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता है और बहुत ही मज़ा आता है, एकदम ठंडा ठंडा भाई। तो ये है हमारा सिम्फोनी एयर कूलर सुमो JR पावरफुल कूलिंग के साथ में, छोटे पैकेज के साथ। तो दाज इसका जो कैपेसिटी है टैंक का वो है 45 लीटर। और कूलर की हाइट के बारे में बात करें तो 2 फीट बाई 1.5 फीट इसकी चौड़ाई रहती है, 2 फीट इसका हाइट आ जाता है स्टैंड पर रखने के बाद में। और स्टैंड ऐसा है कि आप यहाँ से वहाँ ले जाने में आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, बेस्ट क्वालिटी है स्टैंड की। और है तो प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन हैवी प्लास्टिक है जो कि जल्दी टूटता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। एक स्पीड, फर्स्ट स्पीड, थर्ड स्पीड, उसके बाद में दूसरा लोग हमारे वर्क में आता है, फर्स्ट कूलिंग के लिए, उसके बाद कूलिंग एंड स्विंग के लिए। इसके फ्रंट की बात करें तो आगे आ जाता है इसका आइस ट्रे, जहाँ से हम आइस भी डाल सकते हैं और यहाँ से हम पानी भी डाल सकते हैं। सो ओवरऑल इसका लुक देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ नीचे की तरफ देखें तो आ जाता है वाटर इंडिकेटर, जहाँ से हमें पता चलता है कि कितना पानी अंदर भर गया है।
और पानी अगर गंदा भी हो जाता है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पानी कितना गंदा हो गया है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है टैंक ओवरफ्लो पॉइंट, जहाँ से हमको पता चलता है कि पानी अंदर ओवरफ्लो हो गया है, मतलब कि भर गया है। अगर यहाँ से ओवरफ्लो होता है तो समझ जाओ कि अंदर पानी भर गया हुआ है। और इसके एयर सर्कुलेशन की बात करें तो 172 स्क्वायर फीट लेफ्ट एंड राइट कवर कर लेता है। इसके तीन तरफ कूलिंग पैड आते हैं जो कि सक्शन का काम करते हैं और फिल्टर का काम करते हैं, एयर फिल्टर का काम करते हैं। जो भी डस्ट होता है वो उसी में रह जाता है और फ्रेश हवा जो होती है वो फ्रंट में हमारी तरफ देता है, वो उसमें आता है फैन ब्लोअर। और बात की जाए इसके पावर कंजक्शन की तो पावर कंजक्शन नॉर्मल एक फैन की जैसा है और आप फैन से भी इसकी जो कंपटीशन है वो कर सकते हो। फैन और एयर कूलर का पावर सेविंग है, जो एयर कूलर है वो पावर सेविंग है और फैन और एयर कूलर का जो पावर है वो सेम टू सेम है। एंड शॉक प्रूफ है, रस्ट प्रूफ है, इसमें रस्ट नहीं लगता है, इसमें करंट नहीं लगता है। एंड इसी एक मात्र एक ऐसा मॉडल है जिसे आप आउटसाइड एरिया विंडो में रख कर आप यूज़ कर सकते हो। इसका ट्रॉली रिमूव कर विंडो में आप रख सकते हो और विंडो से ताज़ी ताज़ी जो हवा है, फ्रेश हवा है, वो आपके बेडरूम में ला कर वो आपको ठंडा करके देने वाला है, जो कि बहुत ही बेस्ट मॉडल है। और ये मैं खुद अपने रूम में यूज़ करता हूँ। इसमें नॉब पैनल आ जाता है, डस्ट फिल्टर आ जाता है, आइस चैम्बर आ जाता है एंड कोस्टर व्हील आ जाता है जो कि काफ़ी हैवी है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाऊँ। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।